ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे उन छह चीज़ों के बारे में जो कहीं भी दिख गया तो अच्छा ही होगा, आपका आपका भला ही होगा। ये समझ लीजिए कि ये एक शुभ संयोग है, शकुन है, अच्छा शकुन है। भारतीय समाज में काफ़ी पुराने समय से शकुन और अपशकुन की मान्यताएं प्रचलित हैं। कई छोटी छोटी घटनाओं से भविष्य में होने वाली बड़ी घटनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। श्री रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने शकुन अपशकुन का विस्तृत उल्लेख किया है। रामायण और श्री रामचरित मानस में कई स्थानों पर शकुन और अपशकुन का वर्णन मिलता है। अतः स्पष्ट है कि इस प्रकार की छोटी घटनाओं का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तुलसीदास जी के अनुसार नेवला, मछली, दर्पण, छेमकरी चिड़िया, चकवा और नीलकंठ हमें जहाँ कहीं भी दिख जाए उसे शुभ मानना चाहिए और प्रणाम कर लेना चाहिए। इनके दिखने पर ऐसा समझना चाहिए कि आपके कार्यों में आ रही बाधाएं सोते ही नष्ट होते चली जाएगी, बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। इनसे व्यक्ति के मनोकामनाएं पूर्ण होने के संकेत मिलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को धन संबंधी कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो इनमें से कोई भी दिख जाए तो निकट भविष्य में आपको पैसे से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।